हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मैथ की वीडियो लेक्चर में। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 4 को कंटिन्यू करते हैं और इसके अंदर एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी विथ टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे वर्ड को समझते हैं। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको एक एक करके समझते हैं। वेरिएबल्स मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया था, वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज होती है, जिस टर्म्स की वैल्यू चेंज होती है, जिस सिंबल की वैल्यू चेंज होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे कि एक्स और वाई, जनरली हम लोग जो वेरिएबल यूज करते हैं वो कौन सा वेरिएबल है, एक्स और वाई, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वेरिएबल है। अब आप जानते हो इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई वेरिएबल यूज करके हम लोग इनका वैल्यू को ढूंढते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या हो गया स्टूडेंट, जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी विथ टू वेरिएबल्स। तो हम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल्स देखने वाले हैं, इस एक्स और वाई दोनों को एक साथ लेके पढ़ेंगे। अब बोल रहा लीनियर इनइक्वालिटी ये क्या होता है, तो जैसे ही आपने पढ़ा है अभी पिछले वीडियो लेक्चर में लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, तो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल का पढ़ रखा है, लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल का पढ़ा है पिछले वीडियो लेक्चर में, क्या होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का। इसके अंदर दो वेरिएबल होता है, देख लो आप यहाँ पे दो वेरिएबल है और ए बी और सी ये रियल नंबर होते हैं, ए बी एंड सी आर रियल नंबर, इन्हें रियल नंबर के यहाँ पे मतलब इनके जगह पे ए बी और सी के जगह पे क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। और ए बी और सी को क्या बोलते हैं, कोफिशियंट्स, कोफिशियंट्स बोलेंगे, कोफिशियंट्स। ठीक है, और एक्स और वाई यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, एक्स और वाई क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गया, एक्स और वाई को क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था, ये सारी चीज़ें पीछे के वीडियो लेक्चर में मैंने समझा दिया है। तो लीनियर इक्वेशन में यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, साइन इक्वल टू का साइन होता है। देखो लीनियर इक्वेशन जब भी बोला जाएगा तो वहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा, और लीनियर का मतलब आपको पता है कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होगा, वन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, वन है ना, यहाँ भी वन है यहाँ भी वन है, तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा ना वो वन होगा, तो लीनियर कहलाएगा। और इस तरह के इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना, वहां पे इक्वल का साइन होगा, इक्वेशन है तो इक्वल का साइन होगा, बट यहाँ पे आप देखो क्या आ गया स्टूडेंट, इनइक्वालिटी आ गया, इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन की जगह पे क्या लिखा हुआ, इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी का जो साइन होता है, सिंबल होता है स्टूडेंट, वो कुछ इस तरह से होता है, ग्रेटर देन का इस तरह का होता है, या फिर इस तरह से होगा या इस तरह का, मतलब ये जो चार सिंबल, अब इक्वल टू की जगह पे ये सिंबल यूज होने लगे, इक्वल टू की जगह पे ये वाला सिंबल यूज होने लगे, तो उस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज बोलेंगे। उस तरह के इक्वेशन को हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये अगर यूज होने लग गया, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन जीरो, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन इक्वल टू जीरो, तो देखो ये वाला साइन यूज होने लग गया ना, जिस इक्वेशन के अंदर ये वाला साइन यूज होने लग गया वो कहलाएगा लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, कंपैरिजन करके पढ़ने से क्या होता है, समझ में आता है। ये हम लोग पढ़ रखे थे लीनियर इक्वेशन पिछले वीडियो लेक्चर से देख रहे हैं, अब हम लोग सीख रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। तो लीनियर इनइक्वालिटीज किस तरह के इक्वेशन को बोलेंगे, सब कुछ वही रहेगा स्टूडेंट। देखो ये भी दो वेरिएबल वाला है, तो दो वेरिएबल यहाँ पे है, लीनियर है तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का वन है। आप देख सकते हो लीनियर इक्वेशन के लिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ठीक है, बस यहाँ पे जो चेंज हुआ है, इक्वेशन की जगह पे क्या आ गया, इनइक्वालिटी आ गया था। जब इनइक्वालिटी आएगा तो वहां पे सिंबल इस तरह का यूज होगा, ग्रेटर देन का, लेस देन का, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू का, लेस देन इक्वल टू का, ये चार सिंबल यूज होगा, तो वो जो उस तरह का जो इक्वेशन होगा वही इक्वेशन क्या कहलाएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन का जो मेथड है ना उसको समझते हैं कि कैसे सॉल्यूशन करना होता है, ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो यहां पे मैंने डेफिनेशन लिख दिया है लीनियर इनइक्वालिटीज का, जो डेफिनेशन है टू वेरिएबल्स का
वो क्या होगा, अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट। देखो जो मैंने अभी आपको बताया है ना, वही चीज़ यहाँ पे है, डेफिनेशन लिखा हुआ आपके बुक में भी मिल जाएगा। ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन विच वेरिएबल एंड साइन, साइन कौन सा, ये वाला साइन, ये चारों साइन एग्जिस्ट, इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी। इसका मीनिंग क्या होगा, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, कथन बोलते हैं। तो एक मैथमेटिकल कथन होगा, मतलब स्टेटमेंट होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ना, ये क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इस तरह इसी चीज को क्या कहते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। तो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा, ठीक है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये पूरा जो है स्टूडेंट क्या कहलाएगा, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहलाएगा, ठीक है, ये पूरा जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहलाएगा। तो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन विच, जिसके अंदर, इन विच का मतलब जिसके अंदर, ठीक है ना, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसके अंदर क्या हो, वेरिएबल हो। तो आप देखो यहाँ पे वेरिएबल है ना, एक्स और वाई है ना, वेरिएबल इधर एक्स और ये वाई वेरिएबल है, और वहाँ पे क्या हो, साइन कैसा होना चाहिए, लेस देन का, ग्रेटर देन का, लेस देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का, इसको लेस देन बोलते हैं, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको लेस देन इक्वल टू बोलते हैं, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू बोलते हैं। एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब होना चाहिए, उस स्टेटमेंट में ये चारों साइन होने चाहिए, वहाँ पे वेरिएबल होने चाहिए। तो उस तरह के मैथमेटिकल स्टेटमेंट को लीनियर इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने चारों साइन को यूज करके मैंने जनरल फॉर्म लिख दिया है, किसका, लीनियर इनइक्वालिटी का जनरल फॉर्म मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा अब कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या कहलाता है। अब देखो इसको मैंने, मैं ये तो चलो ये जनरल फॉर्म है, अब जनरल फॉर्म से हम लोग इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो इस तरह का कुछ मिलेगा, एक्स लेस देन इक्वल टू टू। तो आप बोलोगे कि सर, अब आप यहाँ पे बोलोगे देखने के बाद कि सर यहाँ पे वाई वेरिएबल तो नहीं आया। तो देखो ये जो है ना, इस तरह के लीनियर, ये क्या है, पहले तो ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी बोलेंगे, लेकिन इसको देखो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल बोलेंगे, इन वन वेरिएबल। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, इसलिए इसको लीनियर इनइक्वालिटी तो बोलेंगे बट वन वेरिएबल का बोलेंगे, एक ही वेरिएबल का है। आप नीचे आ जाओ, नीचे देखो यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर इनइक्वालिटी कहलाएगा, और वन की जगह पे ये इसको क्या बोलेंगे, टू वेरिएबल बोलेंगे, टू वेरिएबल। और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दो वेरिएबल है, समझ में आया। तो ये लीनियर इनइक्वालिटी वन वेरिएबल का हो गया, ये लीनियर इनइक्वालिटी टू वेरिएबल का हो गया, और ये भी टू वेरिएबल का हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग सॉल्यूशन करने का जो मेथड है वो देखते हैं, एक एक एग्जांपल, इसी एग्जांपल से जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है ना, इसी को हम लोग सॉल्व करके यहाँ पे देखेंगे कि कैसे लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन करके यहाँ पे तीनों एग्जांपल को सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे इसको ग्राफिकली, लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का जो तरीका होता है ग्राफिकली, वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं अभी कैसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला स्टूडेंट, एक्स जो है ये कैसा है, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल का ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट कैसा है, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। तो इसके अंदर एक्स लेस देन इक्वल टू टू दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए एक्स इक्वल टू टू लेना होगा, इसी तरह से करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, एक्स इक्वल टू क्या लेना होगा, टू। क्यों इक्वल टू टू ले लिया सर आपने, यहाँ पे देखो एक्स है, एक्स लिया, टू है, टू ले लिया, और इस साइन को हटा करके क्या कर दिया, इक्वल टू कर दिया। बस आपको भी ऐसे ही करना है। अब इसे ग्राफ पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग ग्राफ के लिए वाई एक्सिस बनाते हैं ना, और क्या बनाते हैं, एक्स एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन मार्क करते हैं, ये हो गया वाई, इधर हो गया वाई डैश, ये हो गया एक्स डैश, और ये एक्स, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू टू बोल रहा है, तो टू बोल रहा है, तो यानी कि ये वाला वन हो गया और ये वाला क्या हो गया स्टूडेंट, टू हो गया। तो आपको एक्स इक्वल टू टू पे एक लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगी ड्रॉ कर देना है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, देखो एक से पहले आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, लेस देन ऐसे करके दिया हुआ रहेगा, लेस देन इक्वल टू इस तरह का, मतलब इनइक्वालिटी, वहां पे सिंबल किसका यूज होगा, इनइक्वालिटी का सिंबल, इनइक्वालिटी का सिंबल यूज होगा। बट आपको उस इनइक्वालिटी का सिंबल को हटा देना है, हटा करके क्या करना है, इक्वेशन वाला सिंबल, यानी इक्वल वाला सिंबल, इक्वल वाला सिंबल ले आना है, यानी आपको उसको इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर लेना है। किस में ट्रांसफॉर्म कर लेना है, इक्वेशन के अंदर। अब आप उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे,
ग्राफ पे कैसे सॉल्व करते थे, इसी तरह से सॉल्व करते थे ना, x का पॉइंट y का पॉइंट मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन खींचते थे। अभी हमारे पास y का कोई भी पॉइंट नहीं है, x का पॉइंट है, इसलिए हम यहाँ पे इसको लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, x इक्वल टू 2 पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और हमें पता है लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये हमें पता पिछले वीडियो लेक्चर से चल चुका है, पिछले वीडियो लेक्चर को सॉल्व करने से ये चीज हमें पता चल चुका है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे, अब आप सोच रहे हो क्या सर सॉल्यूशन आ गया, नहीं अभी इसका सॉल्यूशन नहीं आया। इसका सॉल्यूशन वो एरिया होता है, सुनो ध्यान से सुनना, इस वाले जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन, इसका सॉल्यूशन मतलब इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो वह एरिया होगी, ठीक है, वह एरिया होगा जो इस इनइक्वालिटी के स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे। तो कैसे पता चलेगा कि इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई, मतलब इस वो कौन सा एरिया होगा जो इस इनइक्वालिटी के स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो बहुत सिंपल है, आपने x इक्वल टू 2 का एक ग्राफ खींच लिया। अब आपको करना क्या है, ऑरिजिन, ऑरिजिन का वैल्यू क्या होता है, ऑरिजिन का वैल्यू 0 0 होता है ना, x भी 0 y भी 0, तो अभी आपके पास x है तो x की जगह पे 0 रखना है। तो क्या 0, देखो 0 रखे तो 0 लेस देन किस में 0 रखना है, इस वाले में 0 रखना है। देखो इस 0 को कहां लाकर रखना है, इसमें, इसमें नहीं, इससे तो आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है और इसके अंदर आपको क्या रखना है, 0 रखना है। तो 0 जब आप रखोगे तो 0 2 से छोटा आएगा ना, तो क्या आप इस चीज से सेटिस्फाइड हो, सेटिस्फाइड हो ना, तो यही। अब इससे जो एरिया बनेगा, इस ग्राफ से जो एरिया बन के आएगा वो कौन सा एरिया आएगा, तो देखो आप इस चीज से सेटिस्फाइड हो कि जीरो जो है 2 से छोटा होता है, इस बात से हम सेटिस्फाइड है। तो अब हम कैसा इसमें एरिया ड्रॉ करेंगे, तो देखो इसमें एरिया हो जाएगा टुवर्ड्स द ऑरिजिन, टुवर्ड्स द ऑरिजिन, ठीक है ना, ऑरिजिन की तरफ हो जाएगा, टुवर्ड्स द ऑरिजिन, समझ में आया, ये ऑरिजिन है ना, ये वाला ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन की तरफ वाला एरिया हो जाएगा। क्यों ऑरिजिन, क्योंकि हम लोग सेटिस्फाइड हो गए, जो यहाँ पे मैंने ऑरिजिन का वैल्यू इसके अंदर पुट किया, इससे हम सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि हाँ जीरो जो है 2 से छोटा होता है। जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो एरिया कौन सा होता है, जो ऑरिजिन की तरफ होता है, उस ग्राफ से ऑरिजिन की तरफ वाला एरिया, मतलब ये वाला एरिया आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आपको उसको ड्रॉ कर देना है, कलर कर देना उसके अंदर, इस तरह से जैसे मैंने कलर किया ना, ये आपको कर देना। तो ये हो गया इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको इक्वेशन बनाना होगा, इससे 2x - y = क्या लेना होगा, 0, ठीक है। तो पहले आप इसका इक्वेशन बना दो, इक्वेशन इस तरह से बना दिए, अब सॉरी 0 नहीं है यहाँ पे, क्या है, सॉरी यहाँ पे 1 है ना, तो 1 लेंगे, ठीक है। तो 1 आपने यहाँ पे क्या किया, एक इक्वेशन बना दिया। अब आपको इस इक्वेशन से एक टेबल बनाना होगा, टेबल ड्रॉ करना होगा इस तरह से, जैसा मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये इधर हो जाएगा x एक्सिस, इधर हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको, इस वाले टेबल को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट टेबल बोलते हैं, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट वैल्यू वाला टेबल। तो यहाँ पे आपका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिलेगा। अब आप x को 0 रखो, ठीक है, पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2 × 0 - y = 1, ठीक है। तो ये तो हो गया 0, तो -y = क्या आ गया, 1 आ गया, यानी y = क्या आ गया, स्टूडेंट -1 आ गया, ठीक है, ये आ गया, यानी x को 0 लेने पे y आ रहा है -1, ये पॉइंट मिल गया आपको। दूसरा पॉइंट, y को 0 कर देते हैं, y को 0 नहीं करते, y को 1 कर देते हैं, ठीक है, y = 1 ले लेते हैं। तो y को जब 1 रखेंगे तो देखो 2x - 1 = 1, तो 2x, ये -1 उधर गया तो 2 बन जाएगा, 1 और 1 ऐड होकर के 2 हो जाएगा, तो x = 2/2। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, 1 आएगा, यानी y को 1 लेने पे x का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। y को जब 1 लोगे तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है, ग्राफ ड्रॉ करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, y एक्सिस, और उसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना है x एक्सिस, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे पॉइंट को मार्क करोगे, पहले यहाँ पे लगा लो, ये हो गया ऑरिजिन और ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया x, सॉरी x हो गया, इधर हो गया x डैश, इधर हो गया y और y डैश, ठीक है। इधर हो जाएगा, यहाँ पे आप करोगे तो ये आएगा -1, -2, -3,
थोड़ा और इधर, फिर यहाँ आएगा माइनस का 4, माइनस का 5, इस तरह से आप मार्क कर लोगे 1, 2, 3, 4, 5, इधर करेंगे तो माइनस, ठीक है, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस 6, ठीक है। अब आप देखो, x जब 0 ले रहे हो तो y क्या आपको मिल रहा है, x 0 लेने पे y माइनस 1 मिल रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया स्टूडेंट, ये वाले पॉइंट पे माइनस 1 है ना, तो ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा, इसका कोऑर्डिनेट लिख लो 0 और माइनस 1, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, x को 1 लेना है और y को भी 1 लेना है, मतलब ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया 1 1। अब आपको स्केल के थ्रू, स्केल के हेल्प से, ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में कभी भी आप हाथ से नहीं ड्रॉ करोगे, स्केल की हेल्प से ही ड्रॉ करोगे। तो अब स्केल की हेल्प से आप जब लाइन ड्रॉ करोगे, स्ट्रेट लाइन आपको ये मिलेगी, ग्राफ, ये ग्राफ मिल गया। अब आपसे क्या पूछा है, यहाँ तक देखो, यहाँ तक हम लोग करते थे, पहले भी करते आए, पहले की एक्सरसाइज 4.1 में भी हम लोगों ने ऐसा किया है, वही आपको सब कुछ करना है, बट यहाँ पे सॉल्यूशन एरिया होगा, कौन सा एरिया होगा, तो अब आपको ओरिजिन यहाँ पे रखना है। ओरिजिन का वैल्यू क्या होता है, 0 0। अरे भाई, ओरिजिन का वैल्यू 0 0 होता है ना, इस पॉइंट को आपको ला करके इसके अंदर प्लेस करना है। तो 0 को रखोगे तो देखो 2 × 0 माइनस वाई की जगह पे भी 0 ग्रेटर देन 1, तो अब ये देखो 0 आ जाएगा, ये पूरा 0 क्या बड़ा होता है, 0 बड़ा होता है क्या 1 के, या इक्वल होता है क्या, 0 ना तो बड़ा होता ना ही इक्वल होता 1 के, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि 0 ग्रेटर देन 1 और 0 इक्वल्स टू 1, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। ये जो चीज़ है, मतलब अभी हम लोग यहाँ पे ओरिजिन पुट किए तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो अनसेटिस्फाइड, कैसा रिजल्ट मिल रहा है, अनसेटिस्फाइड रिजल्ट मिल रहा है, अनसेटिस्फाइड रिजल्ट। तो अनसेटिस्फाइड रिजल्ट जब मिलेगा, ठीक है ना, जब इस तरह का रिजल्ट मिलेगा अनसेटिस्फाइड, तो आपका जो एरिया आएगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, क्या आएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से बाहर, ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया आएगा। अब आप इसको ड्रॉ कर दो, इधर में कलर भर दो, ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस मतलब आपको एक यहाँ तक आपको कलर भर देना है, ठीक है ना, इसके अंदर आपको कलर, ऐसा लाइन नहीं खींचना, बट आपको यहाँ तक कुछ दूर तक कलर ड्रॉ कर देना है, ठीक है ना, जहाँ तक आप एरो ड्रॉ करोगे वहाँ तक आपको कलर भर देना है, ठीक है, शेडेड कर देना, पेंसिल से शेडेड करना है, और सब कुछ जो भी करोगे पेंसिल से करोगे, पेंसिल से शेडेड कर देना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ये वाला जो साइन आया स्टूडेंट, ये आपके लिए नया होगा, इस तरह का साइन को हम लोग मॉडुलस का साइन बोलते हैं, मॉडुलस साइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो मॉडुलस साइन जब हटता है तो दो वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है, इस तरह के साइन को क्या बोलते हैं, मॉडुलस साइन, ठीक है। जो अभी मैंने आपको जहां तक समझाया है वहां तक आपको क्लियर है ना, जो भी चीज मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, आप एक बार खुद भी प्रैक्टिस करना और वीडियो को बार बार रिपीट कर करके देखना, जो भी मैंने बोला उसको ध्यान से सुनना और प्रैक्टिस करना, आपका डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और पीछे की वीडियो लेक्चर को भी देख लो एक बार, क्योंकि जब तक आप पीछे का वीडियो लेक्चर नहीं देखोगे तो आपको आगे का चीज समझ में नहीं आएगा, बेसिक तो वहीं से स्टार्ट हुआ ना, बेस वहीं से स्टार्ट हुआ है, तो पीछे वाले वीडियो लेक्चर को भी जा करके देखो एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट एक चीज, ये जो साइन होता है इसको मॉडुलस का साइन बोलते हैं, और मैंने क्या बोला, ये जब हटेगा, मतलब ये जब हटेगा तो आपको दो रिजल्ट मिलेगा, क्या क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो ये हटेगा तो y माइनस एक्स जैसा है वैसा रहेगा, y माइनस एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 3 है, ये रहेगा, समझो बात को, y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3 है, ये रहेगा, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट, मतलब आपको यहाँ पे दो ही, मतलब आपको यहाँ पे दो लीनियर इनइक्वालिटी मिलने वाली है, दो लीनियर इनइक्वालिटी मिलेगी, तो फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा कौन सा मिलेगा आपको, देखो y माइनस एक्स ये लेस देन इक्वल टू 3 है ना, अब ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, सॉरी माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3, क्या आप समझे, फिर से देखो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि ये वाला जो साइन है, ये जो इस तरह का साइन है, ये मॉडुलस का साइन है, ये जब हटेगा तो दो रिजल्ट आएगा, पहला रिजल्ट आएगा y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3,
जैसा है वैसा आ गया। दूसरा रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट, वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3। तो अब आपको यहां से ये फर्स्ट इनइक्वालिटी हो गया, ये सेकंड इनइक्वालिटी हो गया। तो अब आपको दो बार आपको सॉल्व करना है इनइक्वालिटी को। अभी आप एक बार सॉल्व कर रहे थे, अब आपको दो बार सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दो आपको पेयर में आपको ग्राफ मिलेगा, यहाँ पे दो आपको ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दो दो मिलेगा, ठीक है ना। एक इसका मिलेगा, एक इसका मिलेगा। तो चलो देखो कैसा बनेगा इसका। इससे पहले हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसके लिए हम लोग टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं, और टेबल आपको मैंने पिछले सभी वीडियो लेक्चर में सिखा दिया बहुत बार। तो यहाँ हो गया x और यहाँ पे y हो गया, ठीक है। x को जीरो जब रखेंगे तो y आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा ना, x 0 पे y 3। अब y को आप 0 कर लो तो x क्या मिलेगा, माइनस का 3, ठीक है। y 0 लेने पे x माइनस का 3, ठीक है। दूसरा वाला इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, दूसरा वाला जो है y माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू माइनस का 3। तो अब आप यहाँ पे जब टेबल बनाओगे इसका, तो देखो x और y, x का वैल्यू 0 लोगे तो y आपको मिलेगा माइनस का 3, x 0 होने पे y माइनस 3, ठीक है। y को 0 आप लोगे तो x क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा 3, ठीक है। y 0 लेने पे x आपको 3 मिलेगा। अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, y एक्सिस ये हो जाएगा x एक्सिस, y डैश एक्स डैश एक्स, और ये हो गया ओरिजिन। तो अब आप इसका ग्राफ जब बनाओगे तो देखो ध्यान से देखो कैसे बनाओगे, दोनों इक्वेशन से बनाओगे, पॉइंट मार्क करोगे दोनों इक्वेशन से। तो पहले तो यहाँ पे सारे पॉइंट को मार्क कर लो, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे कर लो मैं सॉरी 1 2 3 4 5 6, यहाँ कर लो -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ कर लो -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये सारे पॉइंट को उस पर मार्क करना है। तो जीरो पे क्या मिल रहा है आपको, 3 मिल रहा है, तो 0 पे 3 ये वाला पॉइंट होगा आपका 0 3, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, -3 0, तो -3 यहाँ रहा तो ये वाला पॉइंट होगा आपका -3 और 0। तो अब आपको क्या करना है, एक मिनट, गलती हो गई, -3 0 बोला है तो -3 0 ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको -3 और 0, ठीक है, ये वाला नहीं, ठीक है। तो आपको ये मिला, अब आपको इन दोनों पॉइंट को स्केल से ज्वाइन कर देना है, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको स्केल से ज्वाइन करोगे। तो मैं बिना स्केल का कर रहा हूँ इसलिए टेढ़ी मेढ़ी लाइन मिल रही है। एक्स जीरो है तो भाई क्या है, -3 है, एक्स जीरो वाई क्या है, -3, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये क्या हो गया 0 और -3। दूसरा पॉइंट कौन सा मिलेगा, x3 और y0, तो देखो x3 और y0 यही वाला पॉइंट होगा 3 और 0। अब आप इस पर बनाओगे स्ट्रेट लाइन तो ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगा आपका, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ये चीज़ तो मैंने पिछले कई वीडियो लेक्चर से बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए अब तक आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसके बाद ध्यान दो, अब आपको क्या करना है, वही ओरिजिन यानी कि जीरो जीरो इसको रख करके दोनों इक्वेशन में, दोनों इनइक्वालिटी में सेटिस्फाइड कराना है, या देखना है कि सेटिस्फाइड हो रहा है या अनसेटिस्फाइड हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पे जब आप जीरो जीरो रखते हो, यानी वाई की जगह 0 और एक्स की जगह भी 0, तो 0 लेस देन 3 सेटिस्फाइड। ये रिजल्ट क्या हो गया, सेटिस्फाइड रिजल्ट हो गया ना। अब आ जाओ इस वाले पे, 0 रखो, 0 माइनस 0 ग्रेटर देन -3 0 ग्रेटर देन -3। भाई 0 तो बड़ा होता है ना माइनस के संख्या से 0 क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये भी क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। यानी कि आपको यहाँ से ये चीज़ पता चल गया कि दोनों जो ग्राफ होगा उसका जो एरिया है, सॉल्यूशन का एरिया, दोनों इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन का एरिया है वो कौन सा होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। इससे भी ओरिजिन के तरफ, टूवर्ड्स द ओरिजिन का क्या मतलब हो गया, ओरिजिन के तरफ वाला एरिया, और इससे भी ओरिजिन के तरफ वाला एरिया। अब आपको इसके बीच में क्या करना है, कलर भर देना है, ठीक है, शेडेड कर देना है, पेंसिल से शेड कर देना है, इसको पूरे को शेड कर देना है पेंसिल से, ठीक है, अच्छे से
पूरा सेट कर देना अच्छे तरीके से, जैसा कि आप बुक में देख सकते हो जाकर के, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी को करने का तरीका यही होता है। तो अब आप घर पे बैठ करके ये रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन बचा है एक्सरसाइज का, इसी तरह से बनेगा डिट्टो, आप बनाओ। फिर अगर आपसे सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। और आपको करना क्या है, आपका होमवर्क ये भी है कि पिछली वाले वीडियो लेक्चर को भी जाकर के एक बार देखो अच्छी तरीके से, तभी आपको ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।